मध्य प्रदेश की 228 सीटों पर लॉक हुए मुकाबले, यहां जानिए कौन किसे दे रहा टक्कर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 230 सीटों में से 228 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट स्पष्ट हो चुके हैं। कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और बीजेपी 228 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने सिर्फ विदिशा और गुना की आरक्षित सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। जल्द ही इन दोनों सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। इस हिसाब से अब यह स्पष्ट हो गया है कि किस विधानसभा सीट पर दोनों ही पार्टियों के कौन उम्मीदवार हैं, किस सीट पर किसके सामने कौन है। यहां हम आपको पूरी सूची दिखा रहे हैं, जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसके परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।